हमारे छोटे बच्चे भी अब हमें कहते हैं कि मुझे ना छेड़ो, मुझे बड़ी स्ट्रेस है, मुझे टेंशन है, मैंने स्कूल जाना है, मुझे टेंशन हो गई। माँ बाप आके कहते हैं कि बच्चों को टेंशन हो रही। तो ये स्ट्रेस क्या है, एंग्जाइटी क्या है, ये एक सेल्फ बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। तो अगर हम इनको इस पर थोड़ा सी बात कर सकें, स्ट्रेस एक इमीडिएट इफेक्ट है, फौरी तौर पे आने वाला। कोई स्टिमुलस आया, कोई किसी बच्चे के एग्जाम आ गए, किसी की अपॉइंटमेंट आ गई, किसी की असाइनमेंट आ गई, कोई अगर एडल्ट है किसी को घर में बिल्ली आ गया, तो वक्ती तौर पे एक स्टिमुलस आया तो उसके रिस्पांस में आपका फाइट फ्लाइट मोड एक्टिव होता है, आपका दिल करता है कि फौरी तौर पे उसको जो कोप अप करने के लिए किया जा सके वो करते हैं, तो इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। बेसिकली ये स्ट्रेस है। वो जैसे ही जो बिल था, बिल की डेट आई, स्ट्रेस हुई, आपने बिल पे किया या जो भी उसका सेटलमेंट हुई, स्ट्रेस नीचे, आप नॉर्मल लाइफ में चले गए। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा किसी मेडिटेशन की या इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती। अगर उसके मुतबादल एंग्जाइटी की बात करते हैं, तो एंग्जाइटी में अक्सर ऐसा भी होता है कि आपका जो स्टिमुलस है वो समटाइम होता भी नहीं है, कोई डायरेक्ट आपको पता भी नहीं चलता कि काज क्या है, फिर भी वो आपको एंग्जाइटी हो रही होती है। साइन सिम्टम स्ट्रेस के और एंग्जाइटी के अक्सर बड़े मिलते जुलते होते हैं कि हार्ट बीट का ज़्यादा हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना। फिर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे सांस फूल रहा है, मेरे दिल के हाथ ठंडे हो रहे हैं, पाँव ठंडे हो रहे हैं, दिल करता है, बेचैनी होती है। तो इस तरह के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। जो एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी का मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं कि पहले किसी टाइम पे वक्त गुजरा था तो वो एक परेशानी अभी भी उसको प्रोसेस कर रही है। कोई ऐसा खौफ है, अनजाना खौफ हो सकता है या नॉन फियर हो सकता है। पेशेंट, मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं, डॉक्टर साहब मुझे लगता है मैंने मर जाना। तो एक बाबा जी मेरे पास आए थे, तो उन्होंने आके कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ये लगता है कि मैं ना मर जाऊँगा, और मैंने अपने ख़ानदान वाले सारे लोगों को बुला लिया, मैंने माफ़ी मूफी मांग ली, और मैं अब मुझे खौफ है कि मैंने मर जाना, मुझे बस 2-5 दिन लगे। होम्योपैथिक मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती है। मैंने मेडिसिन दी तो वो बाबा जी का वो उनका इरादा कैंसिल हो गया। मतलब ये कि वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ठीक है, अपने 20 बच्चों में अब उनकी उनकी लाइफ ठीक चल रही है। एंग्जाइटी की और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई जिस तरह मैंने बात की अगर परेशानी है, अब किसी टाइम पर आई थी या वो चली भी गई, लेकिन वो आपको अनजाना से खौफ है कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, वो एक एंग्जाइटी है, कंटिन्यूस परसिस्ट करती है। खौफ हो सकता है, मौत का खौफ हो सकता है, या किसी और चीज़ का हो सकता है, मेरे बिजनेस में लॉस ना हो जाए, मैं गरीब ना हो जाऊँ, इसके बहुत सारे खौफ हैं। आप समटाइम आप फिगर आउट भी नहीं कर सकते कि मुझे खौफ है और किस चीज़ का खौफ है। बस अचानक किसी की बात सुनी तो दिल धड़कने लग गया, कोई खबर सुनी, अचानक रात को 12 बजे को फोन की बेल हुई तो पेशेंट ने कहा डॉक्टर मुझे पैनिक अटैक हो रहे हैं। तो ये पैनिक अटैक भी एंग्जाइटी के साथ बहुत ज़्यादा हम कोरिलेट करते हैं, तो एंग्जाइटी की वो चीज़ों से कोरिलेट करते हैं। अच्छा, ये खौफ सिर्फ इन चीज़ों से हटके बीमारियों का खौफ बहुत हो सकता है। जिस तरह ये हमने कोरोना देखा है, तो कोरोना में क्या हुआ कि बीमारियों का खौफ बहुत ज़्यादा, डॉक्टर साहब मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, डॉक्टर साहब मैं मर जाऊँगा, डॉक्टर साहब मुझे दिल का मसला हो जाएगा, डॉक्टर साहब मुझे ये हो जाएगा। तो ये बीमारियों का खौफ भी, ये सारे एंग्जाइटी में हम इसको देखते हैं। एंग्जाइटी में बंदे की होप होती है, बंदा एफर्ट लगाता है। अगर इसके मुतबादल अगर डिप्रेशन की बात करूं तो वो नाउमीदी वाली कैफियत में चला जाता है, वहां पे इंसान वो भी छोड़ देता है। अगर किसी बंदे को पता चल जाए मुझे एंग्जाइटी है तो वो करे क्या, सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि उस बंदे को ना कनेक्टेड रहना चाहिए, अकेला नहीं रहना चाहिए। उसको फैमिली में, फ्रेंड्स में, दोस्तों में, अपने जो करीबी हल्का अहबाब है जहाँ पे रहता है, उसको उनमें रहना चाहिए, अकेला नहीं रहना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपको फौरी तौर पे लग रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है, तो आपको चाहिए कि लंबे लंबे सांस लें। लंबे सांस लेने से, डीप ब्रेथ करने से भी आपके आप में एक रिलैक्सिंग मोड में चले जाते हैं, तो आपको जो फौरी तौर पे उसकी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते। तीसरा, आपको वॉक ज़रूर करनी चाहिए। वॉक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपकी अगर डाइट अच्छी है, आप उसमें फल सब्जियाँ नट्स लेते हैं, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपको एंग्जाइटी वाले पैनिक अटैक्स फर्दर ना हो। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको एंग्जाइटी रहती है तो आपकी नींद पूरी होना बड़ा ज़रूरी है। समटाइम ऐसा होता है एंग्जाइटी की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही होती है। अगर तो ये चीज़ें एक लेवल से ऊपर जाएँ तो फिर तो आपको जाहिर बात है आपको हेल्प की ज़रूरत है। कोई डॉक्टर हो गया, कोई साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, आप उसके पास ही जाएंगे, वो आपको प्रॉपर इससे गाइड करेंगे। लेकिन और दूसरी बात, जब आपको इस तरह के अटैक्स हो रहे हो तो आपको अंधेरे में भी नहीं बैठना चाहिए अकेले होके बस नुक्कड़ में जाके, तो आपको चाहिए सब में रहें, रोशनी में रहें, और अपनी रूटीन कोई ना कोई एक रूटीन सेट कर लें। समटाइम फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी आपका कोई काम प्रॉपर नहीं हो पा रहे तो आपके लिए एंग्जाइटी उससे भी बढ़ती है। तो मैं अगर इस चीज़ को समराइज करूँ, अगर तो एंग्जाइटी की वजह से अगर आप खुद उसे सेटल कर सकते हैं, स्ट्रेस का तो मैंने बता दिया कि स्ट्रेस अगर आपको ज़्यादा होती है वो टेम्परेरी होती है, वो जैसे ही इवेंट गुजरता है तो आप नॉर्मलाइज, आप नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हैं। एंग्जाइटी होती है, फौरी तौर पर अटैक होता है तो लंबे लंबे सांस ले सकते हैं, तो बाकी मैंने कुछ चीज़ें बताई तो आप वो कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको मसला हल नहीं होता तो आपको चाहिए आप किसी न किसी हेल्थ प्रोवाइडर के पास जाएँ,
वो आपको सही आपकी मेडिकेशन बनती है या आपकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो सकती है, जो भी कर सकता है, काउंसलिंग कर सकता है तो वो ज़्यादा कर सकता है। एक लेवल के बाद आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, और इसको ये एक बीमारी है तो इसको इतना ज़्यादा नॉन सीरियस भी नहीं लेना चाहिए, आपको किसी न किसी के पास डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए ताकि वो आपको इस मसले से निकाल सके।